अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबीहा। आज मैं आपको इन दो कलर की नेट को यूज़ करके बहुत ही प्यारा 3 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाना बता रही हूँ। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये दो मैंने कपड़े ये लिए हैं, 3 मीटर ये लिया था, 3 मीटर ये लिया था, जिसमें से मैंने एक स्टाइल से पत्तियाँ काटी हैं और मैंने इसके नीचे लाइनिंग लगानी है। अटल की मैंने लाइनिंग ली है, ये अटल की लाइनिंग है, ये मैं इसके नीचे लगाऊंगी और इसके नीचे मैं कैनकन की अलहदा से स्कर्ट बना के दूंगी, ताकि वो जब अगर पहनना चाहे तो बच्ची पहन ले, अगर तंग हो रही है तो ना पहने। सबसे पहले बॉटम के लिए हम नेट की पेटल्स काटेंगे। पेटल का पैटर्न पहले हम कागज पे काट लेंगे ताकि हमें जो नेट है उसके ऊपर काटने में आसानी हो। टोटल हमने 15 पेटल्स काटनी है, 15, जिसमें से 10 जो है हमारे पास ग्रे कलर की होंगी और 5 हमारे पास पिंक कलर। इन पेटल्स पे मैंने तार वाली पीको करवा दी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप करवाना चाहें तो करवाएं, नहीं तो इस तरह भी लग जाएंगे क्योंकि नेट के बिल्कुल भी धागे नहीं निकलते। जो पेटी है तैयार, वो हमारे पास 10 इंच है, तो हमने 11 इंच के हिसाब से इसकी लेंथ लेंगे। 10 इंच ऊपर हमारे पास होगी पेटी और उसके बाद 11 इंच के साथ प्लस करें तो वो 21 इंच हो जाता है। ये हमने यहाँ से 11 इंच पे निशान लगा रहे हैं, नीचे जो है हमारा बैलेंसिंग है और यहाँ से निशान लगा लें। ये टोटल हमारे पास इस तरह लगा के आपने जितनी भी चौड़ी पत्ती रखनी है उस हिसाब से, और यहाँ से ऊपर से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच पे निशान लगा के हम ये पत्ते की शेप कर दे देंगे, इस तरह पत्ते की शेप दे देनी है। इस तरह करके यहाँ से गुलाई कर देंगे हम, ये पत्ती हमारी कट जाएगी। हमने ये सबसे बड़ी वाली पत्ती है और बाकी जो हम इसकी काटेंगे वो 1-1 इंच इसी तरह करके छोटा करके काटेंगे। 3 लेयर्स में हमने लगानी है। 3 लेयर्स में लगाने के लिए हमने सबसे बड़ी पत्ती की साइज ये है, इसकी चौड़ाई हम थोड़ी कम करेंगे। ये सारा कुछ आपने अपने हिसाब से, अपने कपड़े के हिसाब से देख के करना है। इस तरह हमने ये पत्ती की शेप काटनी है। ये देखें, ये हमारे पास पत्ती की शेप कट गई है। इसमें से जब मैं इसको लेयरिंग करूंगी, लेयरिंग करने के लिए जो अगली पत्ती काटूंगी वो 1 इंच कम होगी और उससे अगली 1 इंच कम होगी। इस तरह 3 साइज में हमने पत्तियां काटनी है। ये इस तरह पत्ती काटते हैं, एक पत्ती इधर से काटेंगे तो जब दूसरी हम पत्ती काटेंगे हम उसका मुख रुख इस तरफ से करके इस तरह काटेंगे। इस तरह काटने से आपके पास पत्तियां जो है बहुत आसानी के साथ कट जाएंगी और उसमें कपड़ा भी कम खर्च होगा। मैंने पेटल्स पहले काट ली थी क्योंकि मैंने पीको करवानी थी, मैंने पेटल्स काट के तैयार करके रखी हुई है, ये देखें। अब हमें इसकी बॉडी काटनी है और बॉडी और साथ में हमने नीचे वाली लाइनिंग काटनी है। लाइनिंग काट के उसके ऊपर हमने पत्तियां एडजस्ट करनी है, तो चले फिर लाइनिंग काटते हैं। सबसे पहले हम पेटी काट रहे हैं। कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। इसकी पेटी की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच लेनी है और इसकी चौड़ाई मैंने 13 इंच रख के इसको पेटी को हम काट लेंगे। आगे पीछे को अलग अलग कर लेते हैं। पीछे आप चाहे तो इसके जिप लगा दें और चाहे तो आप इसके बटन पट्टी बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मैंने इसका फ्रंट बना लिया है और वो हमारे पास इसकी ये वाली जो है वो बैक है, इस तरह। अब हमने नीचे वाली जो साइड है इसका नीचे वाली लाइनिंग की लाइनिंग लगानी है। नीचे वाली लाइनिंग को 11 इंच रखकर हम इसको अम्ब्रेला कट कट कर लेंगे। ऊपर हम थोड़ा सा खुला इसका काटेंगे, पेटी के साथ जो जोड़ना है उसमें हमने चुनर डालनी। आप चाहे तो इधर से इसको पूरा काट दें अगर आप इसमें चुनर डालना नहीं चाहते। मैं इसमें थोड़ा सा घेर देना चाह रही थी इसलिए मैंने इसको ज्यादा काटा है और ये हमारे पास इस तरह ये चुनर आ जाएगी। बैक साइड मैं ग्रे में बना रही हूँ, ये देखें, ये ग्रे मेरे पास नेट मैंने नीचे रख ली है। ऊपर जो है हमारे पास ये लाइनिंग है, इसकी पहले लेंथ काट लेते हैं हम। और फ्रंट पे मैंने पट्टियां बना के डिजाइनिंग करनी है, वो हम जब स्टिच करेंगे उस टाइम करेंगे, अभी हमें सिर्फ इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हम पहले कर लेंगे इस तरह। ये जो खुला पार्ट है हमारा, ये हमारा बैक दरमियान में आएगा और जो बैक वाला बैक साइड का बन पार्ट है वो साइड पे रखेंगे और फ्रंट का जो हमारा बन पार्ट है वो हमने बैक साइड की खुली वाली साइड पे रखना है और इस साइड से हमने कटिंग करनी है। ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ तैयार। अब हम इसके कंधे कट करेंगे।
तीरे का निशान हमने 5 इंच पे लगाया है और कंधे हमने 6 इंच रखे हैं। आप इस तरह गुलाई देकर इसको कट कर लें। और यहां से हम इसको थोड़ा सा रेप काटेंगे। यहां से दोनों निपिंग बैक साइड के हमारे पास दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग कर लेंगे। ये फ्रंट ऊपर हमारे पास बैक साइड है, इन दोनों हिस्सों को हम अलग कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसका हिस्सा ओपन है और नीचे हमारे पास फ्रंट है। इस पे हमने पट्टियां बना के दो दो तीन तीन इंच की हमने पट्टियां बनानी है। पट्टियां बनाने के बाद हमने इसको इस तरह लगाना है। ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ। 2 इंच हमारे पास टोटल चौड़ी पट्टी होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें 4 इंच कपड़ा लेना है। 4 इंच का कपड़ा लेके हम इसको काट लेंगे। 4-4 इंच के पट्टियां हमने काटनी है। अभी मैं आपको एक एक काट के लगा के बताती हूँ, फिर मैं आपको इसी तरह बाकी की भी लगाएंगे। इसी तरह हमने पिंक भी 4-4 इंच की पट्टी लेनी है। यहां से हम सिलाई लगा देंगे और ये जो हमारा हिस्सा है ये इस तरफ साइड पे चला जाएगा। इस तरह करके हमने ये पट्टियां लगानी है। सब पे सिलाई लगेगी पहले। ये इतनी पट्टी लगानी है कि ये हमारी जो है इस साइड पे चली जाए। ये नीचे इस साइड पे आके इसका ज्वाइंट है वो हो सिलाई लग जाए। इस तरह करके ये सारी पट्टियां हम ऊपर तक लगा लेंगे। ये देखिए, हमने 4-4 इंच की पट्टियां काट ली थी। पट्टियां काटने के बाद हमने इसका नेक का मार्जिन छोड़ के इसको हमने इस तरह एडजस्ट करना है। सिलाई मैं इन पे नहीं लगा रही, मैं सिर्फ यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। आप पहले लगा के इसके ऊपर पिंस लगा लें। पिंस लगाने के बाद आप इसकी साइडों पे सिलाई लगा लें। ये देखिए, पेटी मैंने तैयार कर ली है। अब ये जो मैंने ये सिलाई लगा दी है और पिंस उतारनी है, ये जो फालतू कपड़ा है सारा, ये हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें, हमारी फ्रंट बिल्कुल तैयार है। बाद पहले गला बनाएंगे, गला बनाने के बाद इसकी फ्रिल तैयार करते हैं। गला बनाने के लिए इसकी कटिंग कर लेंगे और बाद में पाइपिंग लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। आप पहले गला बनाकर बाद में भी कपट्टियां एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने लाइनिंग पे लगाने के लिए एक सिंपल नेट का कपड़ा पहले लगाना है। जितनी हमारी लाइनिंग है उतनी ही चौड़ाई और लंबाई का हमने पीस लेना है। उसके ऊपर हम पेटल्स अटैच करेंगे। ये मेरे पास जो पीस है थोड़ा सा कम था, इस पर मैं अब पहले ज्वाइंट डालूंगी, फिर इसको अपनी नीचे वाली लाइनिंग के बराबर कर दूंगी। ज्वाइंट हमने डाल लिया है, ये देखें। अब इस पर हम चुनर डाल के इसको नीचे वाली लाइनिंग के बराबर कर देंगे। अब इस पर मैंने प्लेट्स डालने हैं। मैंने इतने प्लेट्स डाले हैं कि प्लेट्स डालने के बाद 12 इंच तैयार रह जाए। डबल करके 12 इंच तैयार होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने घेर तैयार कर लिया है। ये मेरे पास 12 इंच है। इसके ऊपर मैंने पत्तियां एडजस्ट करनी है।
अब हमने इसके ऊपर पत्तियां एडजस्ट करनी शुरू करनी है। जो पत्तियां हमने काटी हुई है ये लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके दरमियान में एक निशान लगा लेते हैं। इस तरह इसको हमने फोल्ड करना है, इस तरह इन दोनों दरमियान में, इन कोनों पर और उन कोनों पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह नॉच लगा देते हैं कैंची के साथ। अब ये जो नॉच है हमारे पास, यहां से हमने पत्तियां लगाना शुरू करते हैं। जो हमारे पास बड़े साइज की पत्ती है इसके इसके भी मिड में आप एक नॉच लगा लें, इस तरह। इसके साथ रख के हमने इनको, इन दोनों निशानों को मिला के हम पहले सुई के साथ ही इसको कच्चा कर लेंगे, और कच्चा करने के बाद हम फिर मशीन के साथ लगाएंगे। मोटे मोटे टांकों के साथ हम लगा रहे हैं, इस तरह। ये देखें, अब जो ये जो पत्ती हमने लगा ली है, बिल्कुल इसके साथ से हमने ये पत्ती शुरू करनी है। इस तरह ऊपर नीचे थोड़ा सा रख के, इस तरह इसके साथ हम इसको बड़े बड़े टांकों के साथ एडजस्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने पांच पत्तियां एडजस्ट करनी है इसके साथ, पूरी उसमें पांच आएंगी। हमने नाप के काटी है 12 इंच, हमारी चौड़ाई है टोटल 24 इंच है। तो पांच पत्तियों के ऊपर से चौड़ाई आपने इतनी रखनी है कि वो 24 इंच के करीब हो, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर ज्यादा हो तो ऊपर नीचे हम करके लैप कर ओवरलैप करके रख सकते हैं। यह हमने तीन चार इस तरह पत्तियों के ऊपर नीचे करके लगानी है, तो इसलिए पहले हम एक दफा इसको सुई के साथ कर लेंगे, फिर हम एक ही सिलाई के साथ बाकी गिर जाए। जो बड़ी सबसे लंबी पट्टियां थी वो हमने लगा ली है ग्रे कलर की। अब हमने ये पिंक पत्तियां लगानी है। ये हमने इससे थोड़े से इससे छोटे साइज की काटी हुई थी। अब ये जो लगानी है, यहाँ पे ये दो जो ज्वाइंट हो रही है बड़ी पत्तियां, इसके दरमियान में इसे रख के लगानी शुरू करनी है। ये देखें, ये हमारे पास ये लग गई हैं। अब हमने इसका छोटा साइज जो है, इससे इससे भी छोटा साइज, जो हमने तीन तरह के साइज काटे थे वो लगानी है। वो भी हम इसी तरह शुरू करेंगे इन दोनों के दरमियान से। ये पत्ती हमने इसके ऊपर रखनी है और इसको लगा देंगे। ये मैं पूरा लगा के आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये फ्रील हमारी बिल्कुल तैयार है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको अब हम ऊपर टॉप के साथ ज्वाइंट करेंगे कि हम पेटी तैयार करते हैं। ये एक साइड पर रखते हैं, इसके नीचे हमने अभी लाइनिंग लगानी है। ये हमारे पास बैक है, बैक की जो कटिंग हमने की हुई थी ऊपर नीचे रख के अभी हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये फिक्स हो जाए नेक्स्ट उसके साथ। पट्टी बनानी है हमने जो ऊपर नीचे रख के लगाएंगे। हम जिप नहीं लगा रहे, आप चाहे तो इधर जिप भी लगा सकते हैं। पट्टी को ऊपर नीचे रख के एक रफ सिलाई लगा देंगे जो बाद में हम खोल देंगे। देखिए कंधे हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। कंधे ज्वाइंट करने के बाद हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है, फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई की लगाने से पहले हमने इसके बाजुओं के ऊपर पाइपिंग लगानी है ताकि ये धागे ना निकले, ये फिक्स हो जाए। हमने तरपाई करके ये सारा तैयार कर लिया है। ये देखें, अब हमने साइडों पे सिलाई लगानी है और इसको पेटी को हमने 12 इंच के करीब 12 इंच तैयार रखना है। साइडों की फिटिंग की सिलाई लगा के हमने इसको 12 इंच के तैयार रखना है, और नीचे हमने फ्रिल जो है इसकी बनाई हुई है वो भी 12 इंच है हमारे पास। लेकिन पेटी मेरी तैयार है। पेटी अब मैंने इसके साथ फ्रिल अटैच करनी है। ये मेरे पास इसकी लाइनिंग है,
लाइनिंग की नीचे से फोल्डिंग कर लें आप, ऊपर से मैंने देखा हल्की सी चुन्नट भी डाली हुई है इस पे। अब मैंने इसके अंदर लाइनिंग रखनी है पहले, क्योंकि चूंकि साइड पे सिलाइयां नहीं है, आप जहां से मर्जी रख के इसको लगा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि आपने इसी साइड से लगाने हैं। बस आप थोड़ा सा इसको एक पत्ती को दरमियान में रख लें, इस तरह रख के हम इसको लगाना शुरू कर देते हैं। ये दरमियान से मैं लगाना शुरू कर रही हूँ, फ्रंट के दरमियान से मैं शुरू कर रही हूँ इधर से। ये दोनों सीधी साइड को हम आपस में मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे। बॉटम को उल्टा कर लें और पेटी को अंदर डालने के बाद जिस तरह हम बाजू अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने सीधी साइड मिलानी है। बिल्कुल दरमियान से रख के, जो हमारा फ्रंट का दरमियान है जहाँ कट भी लगा हुआ था, पत्ती हमारे बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए जो हमने पैटर्न लगानी है, और अब सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी लग गई है, अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। देखिए फ्रॉक हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। नीचे से आपने इसी तरह इसको लगा लेना है। अभी इसके पीछे मैं बटन लगाऊंगी, बटन लगाने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये जो आपका धागे, जो हमने धागे से सिया हुआ था, ये इसी धागे को आप इसी तरह पकड़ के खींच सकते हैं अगर ये नजर आ रहे हैं तो। देखिए हमारा फ्रॉक बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो रेड निशान है उसको दबाएं, और साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।